भीम आर्मी एक परिवर्तन का नाम है, इसकी परिभाषा क्या है भीम आर्मी की? भीम आर्मी, हाँ देखिए, भीम आर्मी जो मिशन हम लोग चला रहे हैं जी, वो साहब काशीराम ने जो एक आइडियोलॉजी दी है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था, अब वो पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि बात बहुजन की होती है और बहुजनों पे काम नहीं होता है, बहुजन नहीं जुड़ पाया है, तो बहुजन को जोड़ने का जो काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक मानना है कि जब तक आप किसी को उसकी जो बेसिक चीजें जो उसको मिलने वाली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आप उसे नहीं बताओगे तो उसे पता ही नहीं क्यों क्या मिलने वाला है, क्या उसका अधिकार है, तो उन अधिकारों के प्रति हम लोग सचेत कर रहे हैं। और आप देखते हैं रोज कहीं ना कहीं जो है उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न के रोज मामले होते हैं, लेकिन क्या है कि उत्पीड़न के मामले की अगर बात की जाए तो किस तरीके से एट्रोसिटी के जो मामले होते हैं, बलात्कार के होते हैं, लूट के होते हैं, इसके अलावा नवजात बच्चों को मार दिया जाता है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से किस तरीके के, ये सभी उसी में आते हैं जी। देखिए जिसमें भी शोषण होगा वो कोई भी मुद्दा हो, जिसमें भी अन्याय होगा वो कोई भी मुद्दा है, तो ये सब मुद्दे जो है एट्रोसिटी में आते हैं। तो ऐसे मुद्दों पे न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि मैंने करीबी से महसूस किया, जब मैं अधिवक्ता सोचता हूँ तो न्याय नहीं है। आप एप्लीकेशन लिखाने जाते हैं थाने में तो वहाँ भी पैसे मांगते हैं जी, और फिर अगर आप उनसे उम्मीद करते हैं न्याय मिलेगा तो वो थोड़े से पैसों में न्याय जो है आपके खिलाफ हो जाता है, आप रिपोर्ट करने गए आप ही को पकड़ के बिठा लेती है पुलिस। तो सर ये जो भीम आर्मी की जो परिभाषा है, एक परिवर्तन की परिभाषा, यानी कि आप एक परिवर्तन करने के लिए इस देश के अंदर मैदान में आए काम करने के लिए? देखिए हम सब क्योंकि बहुजनों की बात करते हैं तो हम सब मिलके ये परिवर्तन करेंगे, कोई अकेला आदमी से नहीं कर सकता जी जी जी। और मैंने महसूस किया है कि जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ रही है तो बहुत सारे लोगों का हमें वो मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। जैसे आज हमारे पास कुछ ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बड़े लोग आए थे जी जी, तो उन्होंने हमें समर्थन की वो की है, और वो कह रहे हम अपनी तरफ से प्रेस रिलीज देंगे। और एक बहुत ओबीसी जाति के जो गुजर समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग, उनका बड़ा समर्थन मिल रहा है, तो वो लोग कल भी आए थे मिलने और आज भी उनका डेलीगेशन आ रहा है मिलने के लिए, तो क्योंकि वो भी जागृत हो रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, उनको लगता है कि बहुजन मूवमेंट में उनका भला है। और सच्चाई तो यही है कि लोगों ने गुमराह किया थोड़ा सा अभी वो है, लेकिन अब भीम आर्मी आ गई तो ये गुमराहपन खत्म हो जाएगा। अच्छा अभी देखा जाए जिस तरीके से आप अभी फील्ड में काम कर रहे थे, 200 स्कूल छोटे छोटे जो है कोचिंग सेंटर जिसको हम कह सकते हैं, ट्यूशन सेंटर बच्चों के लिए, 600 कोचिंग सेंटर चला रहे थे, तो एक समाज सेवा करना एक गुनाह साबित हो गया, उसी का खामियाजा आपने अभी जेल में जाके उसको भुगता है, तो अभी जेल की हालत के बारे में थोड़ी सी बताएंगे, क्या ऐसा रहा कि जेल के अंदर जाके आपको मतलब 9 महीने जेल में रहना पड़ा? जेल में मैं रहा हूँ 463 दिन, लगभग 16 महीने के लगभग, लेकिन क्योंकि मैं जिस मूवमेंट को चला रहा हूँ उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, तो उनके नेता को किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो विरोध कर रहा है, अन्याय के खिलाफ बोल रहा है, तो ये सब चीज़ें सहनी पड़ेंगी। और जिस मिशन को हम लोग चला रहे हैं, बाबा साहब ने कुर्बानियाँ दी हैं, साहब काशीराम ने कुर्बानियाँ दी हैं, ज्योतिबा फुले साहब के साथ अपमान हुआ, सावित्रीबाई फुले के साथ अपमान हुआ, तो ये तो रहेगा, लेकिन उन्हें लगा कि इसे जेल में बंद करने से चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन व्यक्ति मर सकता, विचारधारा नहीं मर सकती, तो विचारधारा बाबा साहब की है, साहब काशीराम की है, तो ये विचारधारा नहीं मर सकती, तो इसलिए जो है मूवमेंट हमें मेरे जाने जेल जाने के बाद बढ़ता रहा। और मैं जेल में जिसकी तकलीफ मैंने झेली, सरकार, क्योंकि सरकार के खिलाफ मैं लड़ रहा था जी, तो उन तकलीफों में इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता कि जो लोग मुझे बड़ा उम्मीद करते हैं, अगर कभी भविष्य में जेल जाना पड़ा तो उनको ऐसा लगे कुछ इतना सब कुछ होता है, क्योंकि जब आप इस मिशन में आ गए तो सहना पड़ेगा जी, तो मैं अपने लोग कमजोर नहीं करना चाहता सब चीज़ें करके, तो ये इसके लिए तो यही है कि मैं तैयार था, मैं तैयार होकर गया था लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, और जेल में भी संघर्ष किया। आपको देखा, आपने पढ़ा होगा मीडिया में, 2 अप्रैल से भूख हड़ताल पे गया मैं, और जो 8 दिन भूख हड़ताल पर रहा, जबकि बाहर प्रिंट मीडिया छाप रही थी, मुझे भी पत्र कभी मिल जाते थे, जो मीडिया लिखती थी कि वो तो खाना खा रहे हैं, क्योंकि डीएम कह रहे थे, तो ऐसे देखिए मतलब आप तर्क संगत अगर बात करें, आप सही को भी गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा था जी जी जी। और मेरा सब मेरे गलती इतनी है कि मैं अपनी आवाज़ अपने लोगों की आवाज़ उठा रहा था जी जी ईमानदारी से, तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं, इसलिए मुझे जेल डाल दिया। अच्छा चंद्रशेखर जी, अभी हाल ही की बात की जाए तो भीम आर्मी को हम जितने टाइम से देख रहे हैं, जितने टाइम से इसको जान रहे हैं, तो आज एक युवाओं की पहचान, एक युवाओं का संगठन बन चुका है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए जहाँ मैं देखता हूँ, जब लोग मेरे पास मिलने के लिए आ रहे हैं, और जो मैं मीडिया से भी कहता हूँ, तो मैं वो कहता हूँ जो, क्योंकि मैं आज चेहरा भीम आर्मी का हूँ, तो भीम आर्मी के जो पूरे देश में जो लोग काम करें, जो मुझसे वो भेजते हैं कि भैया ये बात अपने आप को रखनी है मीडिया में, ये पक्ष है हमारा,
क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत बात करूंगा तो विरोध होगा जी। तो लेकिन लोग जो बोल रहे हैं, भीम आर्मी जो बोल रही है, वो मैं बोल रहा हूँ उसमें स्पष्ट ये कि वो भीम आर्मी को उन्होंने सम्मान बना लिया है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई होगी, अधिकारों की लड़ाई होगी। तो उनका जितना प्रेम है, जैसे वो अपने एक व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करता है, अपनी बेटी से, अपने बच्चे से, अपनी माँ से, इस तरह से वो लोग भीम आर्मी से प्रेम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बल मिल रहा है हमें कि वो बिल्कुल, क्योंकि उनका संगठन है तो वो इससे बड़े प्रेरित हो रहे हैं कि भाई संघर्ष है। आपको बुरा लगेगा, वो कुछ सामाजिक और राजनीतिक लोग भीम आर्मी को राजनीतिक पार्टी के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनकी जैसे मेरी एक आइडियोलॉजी, हाँ, और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। देखिए, मुझे मेरी लड़ाई तो थर्जन से भी नहीं है, छोड़ जाती से भी नहीं है, हाँ, लेकिन मैं बहुजन, मुझे लगता है बहुजनों की विचारधारा पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुजनों के लिए काम कर रहा हूँ। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, वो राजनीतिक लोग उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है, उनके अपने तरीके होते हैं सोचने के, या और वो गुमराह हो, तो इसलिए उनपे कुछ भी कहना, मैं क्योंकि मैं व्यक्ति भी सामाजिक हूँ तो मेरा गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा जी। तो मैं अगर सामाजिक व्यक्ति को विरोध करता तो उसका मैं जवाब देता हूँ, अच्छा लगता। तो सामाजिक व्यक्ति तो कोई भी हो, और ये आप गजब की बात तो देखिए, एक जो मतलब नेचुरल बात है कि वो किसी पार्टी में हो, बहुजन समाज का व्यक्ति, वो चंद्रशेखर को अच्छा कह रहा है, वो कह रहा है चंद्रशेखर सही लड़ाई लड़ रहा है जी जी, वो किसी पार्टी में हो, चाहे मतलब वो खुल के नहीं बोल रहा है, पार्टी के संविधान में दबा हुआ है या पार्टी के किसी नेता का प्रेशर, लेकिन सामाजिक रूप से तो बोल रहा है ना, सामाजिक रूप से चंद्रशेखर विरोध नहीं कर रहा, वो कह रहा मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी देखा जाए तो चंद्रशेखर जी, मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा, जैसे जिग्नेश मेवानी हो गया, इसके अलावा अद्विति राय हो गई, इसके अलावा प्रशांत भूषण, अभी बहुत सारे लोगों ने आपके लिए एक मीडिया क्लब, जो दिल्ली का मीडिया क्लब है, उसके अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, और उन्होंने आपकी रिहाई के लिए भी, इसके अलावा जो पाँच लोग अभी सामाजिक लोग थे उनको भी रिहाई की बात की। तो क्या आपको लगता है कि जब ये लोग आपके साथ होंगे, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आप उनके साथ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, न्याय की लड़ रहा हूँ, तो इसलिए जो लोग न्याय पसंद लोग हैं, जो मन पसंद लोग हैं, जो न्याय की बात करते हैं, वो उन्होंने मेरे लिए कई रैलियाँ भी की, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सरकार को चेताने का काम भी किया, सरकार से डिमांड भी की, तो ऐसे लोगों का तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मतलब न्याय की बात की। तो वो अच्छे लोग हैं, न्याय की बात करते हैं, लेकिन मैं राजनीतिक दल के मैं के पक्ष में नहीं हूँ, चुनावी दल के पक्ष में नहीं हूँ, चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हूँ, तो मैं किसी के साथ जाना और ना जाना, ये क्योंकि भीम आर्मी खुद में एक, अभी आप देखेंगे कि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है बहुजनों का जो सबसे बड़ा संगठन है जी, इससे पहले इतना बड़ा संगठन कोई बना ही नहीं। तो भीम आर्मी खुद में बहुत मजबूत है, संगठित वो है, तो मुझे राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, मेरी बात को सुनने और कहने के लिए लाखों करोड़ों लोग जो है तैयार है, तो राजनीतिक दल से कोई का कोई मतलब नहीं बनता, उस पर कोई बात करना बेकार है। देखिए चंद्रशेखर जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ मीडिया वालों ने आपके खिलाफ एक स्टेटमेंट चलाया कि वो आप भतीजावाद की, उसमें अभी कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन जी ने उसमें उसको क्लियर किया कि मेरा किसी ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बुआ भतीजावाद का जो मैटर चल रहा है, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे कि जिससे कि हम अपने करोड़ों दर्शकों को ये बता सकें कि हाँ, चंद्रशेखर रावण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल शोषण और शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई कर रहे हैं, ना कि किसी राजनीतिक संगठन की। देखिए, चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। हाँ हाँ, अब महसूस करेंगे कि मैं बहुजनों की बात करता हूँ जी जी, तो बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति, हाँ हाँ, मेरा मेरे रिलेशन में आ जाता है, हाँ, मेरे परिवार में आ जाता है, क्योंकि हम परिवार ही तो बना रहे हैं भीम आर्मी। संगठन क्या होता है? एक समूह होता है, एक परिवार होता है जी, जिसमें जो एक विचारधारा के लोग होते हैं, तो बहुजन मूवमेंट के लोगों का हम लोग परिवार बना रहे हैं। तो मीडिया क्या करती है? मीडिया तोड़ने का काम करती है, मीडिया कभी जोड़ने का काम नहीं करती। तो मीडिया ऐसी चीजें तथ्य पेश करती है, गलत को सही, कभी कभी गलत को सही दिखाने का प्रयास करती है, कभी सही को गलत दिखाने का प्रयास करती है, तो वो उनकी सोच है कि उन्होंने क्या वो कर रहे हैं। लेकिन मेरी बिल्कुल स्पष्ट है, देखिए अखिलेश यादव है, वो भी अब उसको अगर आप वर्ण व्यवस्था देखें तो वो भी शूद्र है, तो वो भी भाई है मेरे, बड़े भाई हैं, उस एज में बड़े हैं, और जो संस्कार हमें मिले हैं घरेलू, अब बुआ जी की बात मैं करता हूँ, लोग बुआ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोग कह रहे हैं, देखिए उनका कहने का तरीका कुछ और हो सकता है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया हो सकता है कि कुछ ऐसा लग रहा हो कि मतलब मेरे नाम पे उन्हें घेरा जा रहा हो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नहीं देखिए, अभी तो जितने भी साथी हैं भीम आर्मी, जो लोग काम कर रहे हैं, वो सब लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं जी, हम ले क्या रहे हैं, हम कोई राजनीतिक दल थोड़ा चला रहे हैं जो हमें कैसे कुछ इनकम सोर्स हो, तो हम तो समाज से जो मदद होती है उसी मदद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सही हाथों में देने का।
ऐसा होता ना कुछ मदद हुई और गलत हाथों में चली जाए तो उस मदद का फायदा नहीं होता। जी जी जी। तो लोगों के द्वारा लोगों को ही मदद कराने का काम भीमार भी कर रही है। जी भाई चंद्रशेखर जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर का विषय है। आप कुछ हो सकता है जानकारी ना हो, लेकिन मैं उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ आया हूँ। 200 किलोमीटर का सफर तय कर। जी, भीम आर्मी के नाम से यूएस से, कनाडा और पता नहीं कहाँ कहाँ से भीम आर्मी के नाम पे चंदा इकट्ठा किया गया। उस चंदे का इस्तेमाल भीम आर्मी का ना होकर पर्सनल अपने यूज में किया गया। मैं यहाँ पे उन लोगों के नाम नहीं खोलना चाहूँगा जिन लोगों ने ऐसा किया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल को? देखिए, आपने बताया कि ऐसा हुआ। जी, मीडिया ने पहले भी ऐसा लिखा, ऐसा हुआ। मैंने पहले एक बार कहा था लोगों से, एक प्रेस रिलीज भी करवाई थी कि लोग किसी को भीम आर्मी के नाम पे चंदा ना दें। जी जी। और पहले जो हो चुका, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो चीजों को खराब करता है, तोड़ने का काम करता है जोड़ने का। और क्योंकि भीम आर्मी को लालच नहीं, भीम आर्मी प्रमुख को पैसे का लालच नहीं। क्योंकि मैं जिस आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा हूँ, तो साहब का आश्रम साइकिल पे पूरी देश की यात्रा करती है। जी। तो पैसा डजंट मैटर, पैसा कोई मैटर नहीं करता। लेकिन क्योंकि लोग बड़े प्रेम से पैसा दे रहे हैं, उन्हें लगता है सही लोगों के पास पैसा जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी ये भावना गलत है। मैं उन्हें भी कहूंगा कि पैसा कोई मायने नहीं रखता, पैसे की वजह से इस लोगों की उम्मीद को, इस संघर्ष को बदनाम ना करें। तो आप जो दानी दाता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, जो आपको प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर देश में रहते हैं, वो आप भीम आर्मी को एक ऐसा सामाजिक संगठन के रूप में उसको बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो पैसा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग उस पैसे को खा जा रहे हैं। देखिए, ऐसा जो कोई व्यक्ति कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा उन लोगों से निवेदन जो ऐसा कर रहे हैं, अगर उनके मन में भी कहीं सामाजिकता बची हो, कहीं इंसानियत बची हो, तो वो ऐसा ना करें भविष्य में। जी। और रही बात उन लोगों की जो प्रवासी भारतीय नारायण जो मदद कर रहे हैं, देखिए बहुत लंबे समय से चला आ रहा है वो मदद करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि मेरी रिहाई से लेकर जितने भी बेल में और सब चीजों में बहुत जगह से मदद हुई है। जो लोग बनते हैं उनकी उसमें मदद हुई। मैं शुक्र आपके चैनल के माध्यम शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोगों एनआरआई के जिन्होंने मदद की, क्योंकि मुझे सच कहने में कोई परहेज नहीं है। जी। क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, जो कोर्ट के मामले थे सब में पैसा लगाता, इन्वेस्टमेंट करता, तो मेरा तो घर भी बिक जाता। जी जी जी। तो मैं तो गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ। तो उन लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, साहब आपने मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें जरूरत भी पड़ेगी, जब जरूरत होगी तो मैं भीम आर्मी प्रमुख ही आपसे मदद के लिए आपको कोई जरिया बता देगा। तो इस बार किसी गलत आदमी को मदद ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी, आपका जो प्रेम है उसको ठेस ना पहुंचे। जी जी जी। क्योंकि जब आपको पता लगा आपके पैसे का मिसयूज हुआ तो आपको कष्ट होगा। तो मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते कहना चाहता हूँ कि साहब अभी आप ऐसा ना करें। अगर हमें मदद की जरूरत भी पड़ेगी सामाजिक काम करने के लिए, तो हम आप पे कोई ना कोई रास्ता आपको सही बता देंगे। अच्छा चंद्रशेखर जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है। वो सवाल क्या है कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज से भी हैं, इस देश की सरकार, चाहे उसको मोदी सरकार कह लीजिए या इस प्रदेश की योगी सरकार कह लीजिए, उनको अर्बन नक्सलाइट या एंटी नक्सलाइट नाम दिया जा रहा है। जी। तो इस बात को आप कहां तक एक्सेप्ट करते हैं कि ये नाम जो दिया जा रहा है वो सही है ये गलत है? देखिए, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं। एक अधिवक्ता को अपराधी बना दिया गया है। मतलब मेरा कसूर क्या था? कि मैं अपनी बात को गंभीरता से कह रहा था, और क्योंकि लोग मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं तो सुनना पड़ रहा था उन्हें। एक आम आदमी की तो सुनवाई होती नहीं। तो मैं अपनी मेरी बात की सुनवाई हो रही थी, उन्हें लगा कि यार इसकी बात सुनवाई कम, इसकी आवाज को दबाया जाए। तो सही जो बात कर रहे हैं, देखिए कुछ लोग गलत हो सकते हैं, चंद लोगों के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग गलत नहीं है, लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए सब चीजें की जा रही है। कोई सरकार तय थोड़ा ही करेगी कि कौन क्या है। आपके पास इंटेलिजेंट अगर एजेंसी है तो प्रूफ भी दीजिए ना। आप ऐसे झूठ में किसी को बंद नहीं कर सकते ना। जैसे आपने 10-10.5 में रासुका लगा के रखी, तो आपके पास कोई प्रूफ है तो कीजिए ना। वो प्रूफ है तो कोर्ट में क्यों नहीं प्रस्तुत हो रहा है? जी, अगर ऐसा प्रूफ है तो कोर्ट में मेरी मुकदमे में क्यों नहीं दिया आपने? कोर्ट ने क्यों मुझे बेल दे दी? कोर्ट ने क्यों कहा कि राजनीतिक मामले में फंसा के चंदे को जेल में बंद कर रखा है? तो मैं जैसा मेरे साथ हुआ, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल गलत किया जा रहा है। अगर इस तरह के नाम दिए जा रहे हैं, उनके बाद दबाई जा रही, तो ये सरकार का एक तरह से, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, ये व्यक्ति की आजादी पे हमला है जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है ना। अभी चंद्रशेखर जी, ये सरकार वाहवाही लूट रही है कि हमने अपनी तरफ से एक तरीके से उसको सहयोग किया है, भाई चंद्रशेखर को सपोर्ट किया, इसलिए हमने उसको लिया। क्या क्या ये बात भी आप क्लियर करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जाने के बाद में राज्य सरकार, जिसको योगी सरकार कहा जाता है, या यहाँ के सहारनपुर के डीएम को या एसएसपी को जो फटकार लगी है, तो तब आपको रिहा किया गया? देखिए, चीजें स्पष्ट हैं। माननीय न्यायालय में हमारी पूर्ण आस्था है और उम्मीद है कि वहां से न्याय को कोई रोक नहीं सकता। हाईकोर्ट में हमारा मुकदमा था
और हाई कोर्ट ने हमें बेल दी थी जी, उन्हीं मुकदमे पे राशु का लगाई गई, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं। जिसमें कोर्ट कह रहा है कि नहीं इसे लड़के को रिलीज करिए, ये सही है, इसके ऊपर ये इल्जाम जो झूठे है, और फिर आपने राशु का लगा दी, तो फिर उस कोर्ट से न्याय नहीं मिला। मान सकते कुछ खामियां रहे, कुछ प्रेशर रहे होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक न्यायालय का मंदिर है, और जब वहां अर्जी दी गई, जहां वहां नोटिस हुए, तो सरकार की को दिक्कत हुई, क्योंकि इनके एडवोकेट ने 3 दिन पहले ये इंटीमेट किया सरकार को कि कुछ एविडेंस नहीं है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सरकार की फटकार लगने वाली है। और चंद्रशेखर का मामला बड़ा संवेदनशील मामला है, दलितों की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है बहुजनों की, तो अगर इसमें तुम्हें फटकार लगी तो ये लोग तो ये खिलाफ खड़े हुए हैं, वैसे में तुम्हें 2019 में बड़ा नुकसान वाला है। तो 14 तारीख इसमें लगी हुई थी, और 14 तारीख हमें उम्मीद थी कि 14 तारीख में न्याय मिलता, तो इन्होंने 13 की रात को अचानक में आनंद फान में ये आदेश जारी कर दिया, और वो आदेश जब जारी हुआ तो उन्होंने सोचा कि चंद्रशेखर इसका एहसान मान लेगा, लेकिन मैं एहसान मानू 1.5 महीने का या 10.5 महीने जो मुस्लिम निर्दोष से कटवा दे गए, तो मुझे पता है ये इनकी साजिश थी, और मैंने मुझे तो ये भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जिस तरह का डर इनके अंदर मेरा बना हुआ है, जैसे कैराना उपचुनाव में इन्होंने मेरे एक पत्र को नहीं है झेल पाते पूरी सरकार मिलकर, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता 10 दिन बाद कोई मुकदमा है, 20 दिन बाद कोई मुकदमा लगा के कहीं कोई घटना करवा के उसमें चंद्रशेखर का नाम जोड़ के दोबारा से जेल में ना डाल दें जी। और कहा भी है, आपको मैं 3 स्टेटमेंट बताऊं, महेंद्र पांडे सिंह जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई बात होगी तो चंद्रशेखर को जेल में डाल देंगे जी। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री, जो मेरे भाई हैं जी, जो उसी वर्ग से जिस मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, बहुजनों के नेता हैं, बहुजनों के नेता गलत प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि अगर कोई मामला हो चंद्रशेखर को जेल भेज देंगे जी। और नरेंद्र सिंह है कोई विधायक है भाजपा के, वो कह रहे हैं रावण का वध कर देंगे। तो मुझे समझ आता है कि ये धर्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये धर्म के नाम पे खाने वाले लोग हैं, तो क्योंकि हम धार्मिकता से बच धार्मिकता में रहेंगे तो हमारा काम विकास हो ही नहीं पाएगा जी। तो मैं इसलिए लोगों से कहता हूँ कि इनकी बातों में मत आओ, ये छोटे छोटे षड्यंत्र रखे हमें फंसाने काम करने। तो भाई चंद्रशेखर जी, लास्ट में चलते चलते इस शोषित पीड़ित वंचित समाज को, आपके चाहने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीति में और भी मार्ग? देखिए, मेरा एक ही संदेश है सब लोगों को, उन लोगों को भी संदेश है जो लोग चंद्रशेखर के खिलाफ बैठे हुए हैं, और अंदरूनी रूप से, क्योंकि मेरा विरोध करना तो आसान, लेकिन मेरा विरोधी बना रहना तो बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। तो मैं उनसे एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अपने चाहने वालों को भी और जो लोग विरोधी उन्हें भी, मैं चाहता हूँ संविधान को इस देश में स्थापित किया जाए, क्योंकि संविधान जो दे रहा है जी, मैं उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। संविधान हमें सुरक्षा का अधिकार देता है ना जी, तो मैं सुरक्षा ही तो मांग रहा हूँ जी। संविधान हमें समानता का अधिकार देता है ना, तो मैं समानता ही तो मांग रहा हूँ जी। संविधान हमें रोजगार का अधिकार देता है, तो मैं रोजगार ही तो मांग रहा हूँ जी। तो जो संविधान दे रहा है, संविधान नारी के सम्मान की बात करता है, संविधान अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, लेकिन देश की सरकार नहीं कर रही है ना, तो मैं संविधान को स्थापित करने की बात कर रहा हूँ। क्यों संविधान स्थापित नहीं, सिर्फ कागज में रह गया है संविधान, बाबा साहब ने जो दिया है देश को जीने का जो रास्ता दिखाया उससे नहीं चल रहा है जी। अब ये जो मौजूदा सरकार है, सब लोग कह रहे हैं आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं, तो इनकी जो नीति है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ जी जी जी। वो नीति नागपुर से चल रही है जी, और नागपुर की नीति देश में लागू नहीं होगी, और जब तक चंद्रशेखर होने दिया ही नहीं जाएगा जी जी जी। हम बिल्कुल स्पष्ट करते, देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलेगा। तो मैं लोगों से, अपने युवाओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि सोशल मीडिया हमारे लिए अवतार है जी, इससे हमें बड़े फायदे होते हैं, हमारी बात बहुत दूर तक चली जाती है और लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इसका गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरे लोग सोची साजिश साजिश की तरह हमें भड़का रहे हैं, फर्जी आईडी डाल को करके जी जी जी, और वो चाहते हैं कि हम कोई कमेंट या उस पर कोई पोस्ट करें कि जिससे कि लोग भड़क जाए और उनको मौका मिले उनके खिलाफ FIR करके उन्हें जेल भेजने का जी जी। तो क्योंकि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, उससे पहले जो हो रहा था वो ठीक था, लेकिन अब मैं बाहर हूँ, मेरे होते हुए अगर हमारे लोग जेल जाते तो इसका मेरा नेतृत्व कमजोर है जी। तो मेरा पूरा प्रयास है, अपने युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि इनकी बातों में मत आए, क्योंकि हमारे वोट बहुत है, हमारे लोग बहुत, लेकिन जेलों में सड़ रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे उन्हें जेल से निकालने का जी। हम प्रयास करेंगे झूठे मुकदमे पे वकील खड़े करके, सरकारी अपने वकील खड़े करके समाज के, उनको बरी कराने का, और ऐसे जो साजिश जो लोग कर रहे हैं उनसे बचाने के लिए मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, युवा साथियों से, कि सोशल मीडिया का प्रयोग सही करें, क्योंकि अगर शक्ति का प्रयोग सही दिशा में होगा तो फायदा होगा, और शक्ति का प्रयोग दूसरी गलत दिशा में होगा तो नुकसान हो जाएगा। तो अपनी एकता को बना के रखें, लोगों पर भरोसा ना करें, लोग गुमराह करेंगे,
इनकी बातों का जवाब वोट से देना जब समय आएगा जी, इनकी बातों का जवाब अपनी एकता से देना, इनकी बातों का जवाब व्यवस्था में नौकरियों में आके देना। तो जो लोग इस तरह के लोग हैं उनसे बचने का काम हम लोग जो है युवा साथी हमारे करेंगे। अपने उनके भाई का निवेदन है उन सब लोगों से।